इस समय हम लोग चंदौली जिले के सैयद राजा में हैं और आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश की सीमा पर दाखिल हो रही है, प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पर तमाम रंग है, मैंने आपको कई बार दिखाया, कई वीडियो मैंने पेश किया। और इसी समय देखिए कांग्रेस की एक नेत्री हैं, इस समय हमारे साथ हैं। आइए पूछते हैं कि आज ये जो माहौल बना है यहाँ सैयद राजा में चंदौली में, सबसे पहले परिचय दीजिए मैम। नमस्कार, मैं रोशनी कुशल जायसवाल बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से और इंडियन यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव। और आज मैंने देखा कि यहाँ पर हमेशा कहा जाता है कांग्रेस में जो नौजवान है, जो यूथ है, जुड़ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कम से कम 2 से 3 घंटे से हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, तमाम नौजवान हैं, आप भी यहाँ पे युवा हैं, युवती हैं, तो फिर माहौल क्या है, नौजवानों के अंदर क्या कांग्रेस धीरे धीरे प्रवेश कर रही है? बिल्कुल, और इंडिया गठबंधन जीतेगा 2024 में। भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि उनकी हार तय है और इंडिया गठबंधन बहुमत से जीत रहा है। आज की जो लहर है वो आदरणीय राहुल गांधी जी को देखने के लिए, इस तरह से युवा हो चाहे महिलाएं हो चाहे हर एज वर्ग हो, वो अपनी समस्याओं को लेके सिर्फ और सिर्फ आस राहुल गांधी जी से ही लगाता है। चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, हर तरीके की प्रॉब्लम के लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी ही आवाज उठाते हैं। बाकी सारे नेता तो सिर्फ और सिर्फ अपने घरों में कैद हैं। वही एक नेता है जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं हम लोगों के लिए। मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस न्याय यात्रा से आम जनता को कितना फायदा पहुंचने वाला है? आम जनता की जितनी प्रॉब्लम्स है उन सबका सॉल्यूशन के लिए ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, राहुल गांधी जी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ हो रहा शोषण, हर चीज के लिए आवाज उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। तो हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। मैम आखिरी सवाल, आप बनारस से हैं, बुनकरों की नगरी है बनारस, बुनकर काफी परेशान है बिजली को लेकर और तमाम समस्याएं हैं कारोबार को लेकर, एक्सपोर्ट वाला मामला चल रहा है, इस न्याय यात्रा में क्या बुनकरों को भी न्याय मिलेगा? बिल्कुल, बुनकरों ने भी स्पेशल मीटिंग की है राहुल गांधी जी से और राहुल गांधी जी ने उन्हें कहा है कि 2024 का जो मैनिफेस्टो बनेगा इंडिया गठबंधन का, उसमें बुनकरों के लिए भी एक स्पेशल डील रहेगी। और किसान आंदोलन पर कुछ कह दीजिए। किसान तो भारी बहुमत से वहाँ पहुँच चुके हैं दिल्ली बॉर्डर पर, और किस तरह से कीले कांटों और गहरे गड्ढे किए गए हैं किसानों का स्वागत करने के लिए, ये देख रहा है। जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत पर आई है मैम। इस समय युवती जो है कांग्रेस की, अरे चलोगे, हम लोग निकल रहे हैं।